इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर के सवीना और हिरण मगरी थाना इलाके में कुछ दिनों पूर्व राह चलते हुए लोगों पर हुई चाकूबाजी मामले में पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। एसपी योगेश गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस घटना के बाद आरोपियों की धरपकड़ की पुलिस टीमों का गठित की गई। राह चलते लोगों पर चाकूबाजी की घटना से लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला था। हिरण मगरी में 3 लोगों पर और सवीना क्षेत्र में एक व्यक्ति को रोककर मारपीट कर मोबाइल लूट लिया। घटना के बाद पुलिस की अलग अलग टीमें मामले की जांच में जुटी तो सामने आया कि पर्वत नायक उर्फ लकी और मुकेश मेघवाल ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन के आधार पर एक आरोपी पर्वत नायक उर्फ लकी, जिसे आकाशवाणी कॉलोनी प्रताप नगर से डिटेन किया, और उसका साथी मुकेश मेघवाल को भागने में सफल रहा। पूछताछ में आरोपी पर्वत नायर उर्फ लकी ने बताया कि उसने और उसके साथी मुकेश मेघवाल द्वारा हिरण मगरी में चाकू से हमला करना और सवीना थाना क्षेत्र में गीतांजलि रोड पर राह चलते 2 लोगों को रोककर चाकू से हमला कर 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। आरोपी ने बताया कि जब उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ था और उससे किसी तरह की प्राप्ति नहीं हुई तो आवेश में आकर राह चलते लोगों पर उन्होंने हमला कर दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों द्वारा रात्रि के समय में सुनसान जगह पर राह चलते लोगों को रोककर चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देना था और जब कोई राहगीर विरोध करता तब उस पर चाकू से हमला करना सामने आया है। पुलिस आरोपी मुकेश मेघवाल की तलाश में जुटी हुई है। क्योंकि 17 तारीख को मुहर्रम के दिन सायंकाल जब संपूर्ण पुलिस बल मुहर्रम के ताजिए निकालने में व्यस्त था, उस दौरान हिरण मगरी थाना क्षेत्र में और सवीना थाना क्षेत्र में स्टैबिंग के लगातार कुछ इंसिडेंट्स हुए, जिसके कारण संपूर्ण शहर में एक दहशत की स्थिति उत्पन्न हुई। उक्त घटना चूँकि अपने आप में गंभीर और एक अजीब प्रकृति की घटना थी जो शहर में पूर्व में कभी घटित नहीं हुई थी, उक्त घटना की सूचना पर तुरंत हम सभी अधिकारी मौके पर पहुँचे। जो इस घटना में घायल हुए थे उन घायलों से हमने हॉस्पिटल में बातचीत की। बातचीत करने के पश्चात तुरंत टीमें गठित कर उस घटनास्थल के आसपास के संपूर्ण क्षेत्र की हमने सीसीटीवी चेक की। उक्त जो हिरण मगरी थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई, जिसके अंदर 3 व्यक्तियों के साथ राह चलते 2 आरोपियों के द्वारा अकारण पीछे से चाकूबाजी की गई, इसके तत्पश्चात इसके शीघ्र पश्चात इन्हीं दोनों आरोपियों के द्वारा सवीना थाना क्षेत्र में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के पास में एक व्यक्ति से मोबाइल रोक कर माचिस मांगी गई, माचिस नहीं देने पर उनसे मारपीट की गई और मारपीट करके उनसे मोबाइल छीना गया। इस घटनाक्रम में भी चाकूबाजी हुई। इस प्रकार 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा शहर में 4 व्यक्तियों के साथ लगातार स्टैबिंग की घटना और लूटपाट की घटनाएं कारित की गई। हमारी टीम के द्वारा लगातार टेक्निकल एनालिसिस किया गया, सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और पूर्व में जो चलानशुदा बदमाश है जो इस मोडस ऑपरेंडी के चेन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग में लिप्त है उनका रिकॉर्ड खंगाला गया। उस आधार पर हमने 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें एक लक्की नायक है और दूसरा मुकेश मेघवाल। ये दोनों ही हिरण मगरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका मामा शंकर मेघवाल थाना हिरण मगरी का पुराना नकबजन है और थाना हिरण मगरी का हिस्ट्री शीटर भी है। इन दोनों में से लक्की मेघवाल को भी हमने राउंड अप किया
राउंड अप करके इससे पूछताछ करी। पूछताछ करने पर इसने इस घटना को स्वीकार किया और अपने दोस्त मुकेश मेघवाल के साथ इन दोनों ही घटनाओं को करना स्वीकार किया। प्रारंभिक जानकारी अनुसार इस लकी मेघवाल के अनुसार इस घटना कारित करने का जो उद्देश्य रहा, जो हिरणमगरी में 3 लोगों के साथ स्टैबिंग करी और तत्पश्चात सवीना क्षेत्र में लूटपाट करी, उसमें से चूंकि पहली घटना जो हिरणमगरी क्षेत्र में घटित हुई वो गंभीर प्रकृति की थी, उसको करने का प्रारंभिक उद्देश्य दोनों ही शराबी प्रकृति के लोग हैं, दोनों ही नशा और पूर्व में इसी तरह के चोरी नकबजनी करने के आदि हैं। इस घटना के तुरंत पूर्व उनका किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ, उस झगड़े में इन्हें चूंकि किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई और झगड़े का गुस्सा निकालने के लिए आप कह सकते हैं इन दोनों ने उस क्षेत्र में राह चलते इन 3 व्यक्तियों के साथ स्टैबिंग करी। अभी चूंकि ये प्रारंभिक पूछताछ से जानकारी मिली है, हम इसका पुलिस रिमांड लेकर के और इसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं और इसके दूसरे साथी की भी तलाश कर रहे हैं और इनसे जो लूटे गए मोबाइल हैं प्लस और भी जो दूसरी वारदात में जो इन्होंने चाकू इस्तेमाल किया उसको हम जब्त करने का रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इनसे चूँकि ये दोनों ही इस तरह की वारदातों में चोरी नकबजनी और लूटपाट की वारदातों में पहले भी संलिप्त रहे हैं, तो इनसे हम इस क्षेत्र में जो पुरानी लूटपाट की घटनाएं हुई है उस बारे में भी हम इनसे गंभीरतापूर्वक पूछताछ कर रहे हैं। Thank you.